हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम एस तनुश्रिया नेहरा। तो मैं यहाँ पे तनुश्री, आज हम लेके आएंगे बस एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्राइंग। छोटी सी ऑब्जेक्ट ड्राइंग मतलब जो उसके अंदर जो शेडिंग होती है वो कहाँ से आती है, कौन सी साइड लाइट होनी चाहिए, शेडिंग हमारे ड्राइंग में, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कितनी इंपॉर्टेंट है, शेडिंग हमारे ड्राइंग को कैसे 3D लुक देता है, आज हम सब कुछ देखेंगे। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, लेकिन एक स्क्वायर्स शेप्स लेंगे, जैसे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ या सर्कल हुआ, मतलब कोई भी ऐसे शेप्स, जैसे कौन शेप हुआ, तो हम ऐसे शेप्स लेंगे और उसके ऊपर ये देखेंगे कि उसमें शेडिंग कैसे की जाती है, और शेडिंग हमारी जो ये होती है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 3D इफेक्ट कैसे देता है, और शेडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आज हम पूरा देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो ज़रा भी नॉलेजेबल लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में भी बता देना कि आपको इसमें से क्या क्या मिला और क्या क्या आपने सीखा इसमें से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ की प्लेसमेंट कर ली थी। मैंने यहाँ पे सर्कल नहीं लिया, ओवल शेप नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर, ट्रायंगल और ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज़ किया है। अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे मेजर कर रही हूँ कि हमारे जो एंगल्स है वो राइट है या नहीं। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब ऐसे स्क्वायर हो या फिर दूसरा कोई चीज़ हो, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके एंगल्स वो सेम है या नहीं। अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मेजर कर कर के कर रही हूँ। मेजर मतलब हम बस एंगल देखेंगे। अगर आपके एंगल्स अगर सही नहीं आ रहे, उसकी सबकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एंगल्स की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी जो ड्राइंग होगी वो बिगड़ सकती है। अभी मैं यहाँ पे जो कोन बना रही हूँ उसकी भी आप देख सकते हो, मैंने नीचे से पहले मेजर कर लिया था कि ये दोनों लाइन सेम है या नहीं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप ये कैसे करें, मतलब मेजर कैसे कर रहे हो। यहाँ पे मैं इसको शेप्स दे रही हूँ, मतलब लाइंस दे रही हूँ। इसके अंदर मेजर करने जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं। लेकिन जो इसके नीचे वाली ड्राइंग है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रफ़ अंदाज़ लिया था कि मुझे कहाँ पे कौन सी चीज़ बनानी है। आप जब भी ड्रॉ करो तो सबसे पहले ये देख लेना कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे बनानी है और कैसे बनानी है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगी और आप अपने मन से, मतलब अच्छे से ये कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी देखो, मैं मेजर कर कर के ये कर रही हूँ। मेजर कर रही हूँ मतलब बस एंगल्स देखना है, कौन सा एंगल कहाँ पे जा रहा है और कौन सा क्या। ये करते वक्त जो आपकी पिछले वाली रफ़ लाइंस होगी उसको मिटाते चलो। अगर आपने नहीं मिटाई तो आपको बाद में बहुत कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन सी लाइन राइट है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ मेजर कर लिया है। हम लास्ट टाइम फिर से मेजर करते, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने मेजर अच्छे से नहीं किया तो आपकी जो शेप्स है वो बिगड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ, आप भी वैसे ही मेजर करना, और जहाँ जहाँ गलती नहीं किया वहाँ वहाँ उसी टाइम पर अच्छे से उसको कर लेना। अगर आपने वो नहीं किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी ड्राइंग बिगड़ जाए। तो अभी मैं यहाँ पे शेडिंग अप्लाई कर रही हूँ। मैंने डायरेक्टली 10B की पेंसिल यूज़ की है, लेकिन स्टार्टिंग से ही आप उसको ज़्यादा डार्क ना चलाएं, एकदम स्टार्टिंग में फेंट ले, मतलब उसको ही धीरे धीरे चलाएं और लेयर पे लेयर ऐड करते जाएं। अगर आपने डायरेक्टली एकदम डार्क कर दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वो अच्छा दिखेगा भी नहीं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ लेयर बाय लेयर, आप भी वैसे ही करना। हमारी जो लाइट है इस ड्राइंग में वो पीछे से आ रही है, लेफ़्ट साइड से। इसकी वजह से हमारी जो फ्रंट साइड हुई वो एकदम मैंने डार्क कर दी। तो आप भी इसका ख्याल रखना कि आपकी जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है। जिस साइड से लाइट आ रही है उसकी जो अपोजिट साइड रहेगी उसको हमेशा डार्क करना है, और जो मिडल साइड रहेगी उसको थोड़ा सा डार्क करना है, ज़्यादा नहीं। वो जो पीछे वाली जो साइड होगी उससे थोड़ा डार्क ही रहेगा, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और जो सामने वाली साइड होगी वो एकदम वाइट रहेगी। अभी यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल है उसके अंदर भी सेम चीज़ है। स्टार्टिंग से ही डार्क एकदम मत कर देना, जैसे मैंने पहले बोला, लेयर करते जाओ। अगर आप लेयर्स चढ़ाते हो तो आपकी जो ड्राइंग है वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, और आपकी जो ड्राइंग है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी, इसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले लेयर पर लेयर चढ़ाओगे और बाद में ही उसको डार्क करते जाओगे। स्टार्टिंग से डार्क कर दिया तो ड्राइंग ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी देखना है कि इसकी शेडो कहाँ से क्या आ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइंग होगी उसको 3D लुक मिलेगा। अभी मैं जो ये बना रही हूँ उसके ऊपर की जो साइड है वो ऑलरेडी डार्क है, लेकिन उसके नीचे की जो स्लाइड होगी वो उससे ज़्यादा डार्क रहेगी।
अगर आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत डार्क कर दिया है, मतलब उसको अच्छे से डार्क कर रही हूँ, लेयर्स बहुत सारे लेयर्स चढ़ाए हैं, लेकिन उसकी जो नीचे की स्लाइड है जिसको मैं अभी कलर कर रही हूँ वो उससे ज़्यादा डार्क रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो पीछे वाली साइड से उसको ज़्यादा डार्क करना और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा डार्क रहेगी उस सामने वाले के मुताबिक से। सो अगर आपने दोनों की सेम कर दी तो वो इतना ज़्यादा 3D लुक नहीं देगा। इसकी वजह से आप हमेशा जो पीछे वाली साइड होगी उसको डार्क कर देना। अभी यहाँ पे मैं कपड़े को कलर कर रही हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने बोला था कपड़े को अगर आप स्पेशली जो कपड़े की जो स्पेशल ये रहते हैं ड्राइंग्स रहते हैं उसको हम ड्रैपरी बोलते हैं, तो इसकी एक अलग से भी स्टडी होती है। अभी मैंने यहाँ पे शेडो निकाली हमारे कोन की। कोन की शेडो निकालते वक्त आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी जो शेडो उसका भी एंगल चेंज होता है। ये शेडो कहाँ से कहाँ जा रही है और वो कौन से साइड पे पड़ रही है, वो स्ट्रेट है या फिर स्लैंटी है, उसको देखना और उसी के हिसाब से उसको शेडो कर उसको शेड देना, मतलब शेडो देनी उसकी। अगर आप पूरी स्ट्रेट शेडो दोगे तो वो 3D इफेक्ट नहीं देगा। तो अच्छे से देखना कि आपकी जो शेडो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। अभी ये कोन को कलर करते वक्त, मतलब शेड्स देते वक्त, आप कोई भी टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, जैसे हैचिंग हुआ, क्रॉस स्टिचिंग हुआ या कुछ और टेक्निक्स। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस स्टिचिंग कर दी और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड भी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लिया अपने जो सारे कलर से उसको। और जो आउटलाइन होती है एक बॉक्स जिसके अंदर हमारी पूरी ऑब्जेक्ट ड्राइंग बैठेगी, मैंने वो भी बना दिया। अभी पीछे का जो ड्रैपरी होगा, ड्रैपरी मतलब पीछे का जो कपड़ा होगा उसको कैसे कलर करना है, क्या करना है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो एक प्लेन चीज़ें बना लो, मतलब अपनी जो कपड़ा होगा वो कपड़ा कहाँ से कहाँ जाएगा उसको अच्छे से कर लो। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा बैक के ऊपर फोकस मत देना, सबसे ज़्यादा फोकस आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन पीछे वाले को, मतलब अपना जो पीछे का कपड़ा होता है उसको छोड़ना मत, उसको भी आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो जब करोगे तो सबसे ज़्यादा टाइम देना ऑब्जेक्ट्स पर, बाद में ही कपड़े को ज़्यादा ये करना। अगर आप स्टार्टिंग से ही कपड़े को ज़्यादा वैल्यू देने लगोगे तो आपको आपके मार्क्स कटने का चांसेस है, क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे लेकिन आपने जो बैक है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर दिया तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। सो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको अच्छे से करना, बाद में जो अपने कपड़े होंगे, मतलब पीछे के जो ये होंगे कर्टेंस होंगे उसको अच्छे से करना। अभी जब भी आप कपड़े को भी शेड करते हो तब इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी लाइट है वो कहाँ से आ रही है, कपड़े की शेडो कहाँ से आ रही है। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कपड़े में शेडो कहाँ पे पड़ेगी और कपड़े की लाइट होगी वो कहाँ पे पड़ेगी। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान पे रखना, पहले समझ लेना कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पे चीज़ें डार्क होगी, कहाँ पे चीज़ें फेंट होगी और कहाँ पे चीज़ों को नॉर्मल रखना है। उसके साथ साथ हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी शेडो है वो कहाँ पे पड़ेगी, कौन से साइड से शेडो आएगी, उसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो मैं यहाँ पे जब क्लोथ्स को ये कर रही हूँ, शेड कर रही हूँ, तो मैंने बीच बीच में ना इसका भी यूज़ किया था, ब्लेंडिंग टूल्स का। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो फिर आप उंगली से कर सकते हो या फिर टिश्यू पेपर से कर सकते हो, ब्रश से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ब्लेंड करने के लिए। लेकिन अगर आप बिगनिंग लेवल पे हो तो स्टार्टिंग में ट्राई करना कि ब्लेंड ना करें, आप बिना ब्लेंड से ही कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस के लिए। और एग्ज़ाम में ये ब्लेंडिंग चीज़ें भी नहीं चलती क्योंकि हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि ज़्यादा ब्लेंडिंग का यूज़ ना करो और वो करना भी नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ करते हो या फिर कौन से भी चीज़ का यूज़ करते हो ब्लेंड करने के लिए तो वो आपकी जो ड्राइंग होती है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती। अभी मैं पीछे का कपड़ा बना रही हूँ। ये कपड़ा बनाते वक्त सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि पेंसिल को स्टार्टिंग में फेंट ही चलाए, डार्क ना चलाए। अगर आपने स्टार्टिंग से ही डार्क कर दिया तो आपकी ड्राइंग बिगड़ने का चांसेस है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब भी पीछे करें, सामने करें या कुछ भी करें तो पेंसिल हमेशा लाइट ही चलाए, बाद में धीरे धीरे डार्क करना। अभी यहाँ पे पीछे का इतना हमको ज़्यादा ये नहीं करना है, मतलब ज़्यादा उसको अच्छे से ये नहीं करना है। सो
इसकी वजह से हमारे जो पीछे का होगा वो थोड़ा रफ ही होगा, और मैंने बहुत सारे साइड है उसको डार्क कर दिया, डार्क छोड़ दिया, और जो अपना कपड़ा है उसको जहाँ जहाँ पे लाइट शेड आना चाहिए वहाँ वहाँ पे लाइट शेड, और जहाँ पे डार्कनेस वहाँ पे डार्कनेस ऐड कर दी। बस इसको ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर इसको भी ज़्यादा कर लिया और आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम होगा तो ही इसको ज़्यादा ये देना एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम्स के टाइम पे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसको इतना भाव मत देना। अभी मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं किया लाइन्स मारने के लिए, आप अच्छे से स्केल का यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी ड्राइंग कंप्लीट, इसको प्रैक्टिस करना। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते वक्त बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी होती है। ये जो चीज़ें होती है ऑब्जेक्ट ड्राइंग की, ये आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर आपको BFA देना है तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल होती है। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट जैसे एग्ज़ाम के लिए भी ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। अगर कोई कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे BFA की एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर आपको अगर कभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, जैसे कि अपना ये हो गया एलिमेंट्री हो गया इंटरमीडिएट हो गया, अगर आप ऐसी तैयारी करने वाले को जानते हो तो आप उसको शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। उसको भी थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि ये होता कैसे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड क्रिएट अ बिग। थैंक यू।